हाथरस में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। बुधवार को खुद सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और घटनास्थल का मुआयना भी किया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। यूं तो इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज तो हो गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने अभी तक भी बाबा नारायण साकार हरि को एफआईआर में नामजद नहीं किया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चार लोगों से पूछताछ अभी चल रही है और मुख्य आयोजक अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। ये घटना देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस सहित कई देशों ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। घटना के करीब 29 घंटे बाद खुद को भोला बाबा बताने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का बयान भी सामने आया है। खुद को निर्दोष बताते हुए भोला बाबा ने कहा कि वो तो पहले ही निकल गया था और भगदड़ असामाजिक तत्वों की वजह से हुई है। हालांकि बाबा खुलकर सामने नहीं आया है, बस बयान जारी किया गया है। इस बीच मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। बुधवार को हाथरस से आगरा आए 21 शवों की पोस्टमार्टम में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत होने का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों की मौत हेड इंजरी से हुई। शॉक और हैमरेज से भी अन्य 3 लोगों की जान चली गई। हाथरस भगदड़ कांड के बाद 21 शव पोस्टमार्टम के लिए आगरा के SN मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। उधर CMO अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि ज्यादातर मामलों में छाती में खून जमने से लोगों का दम घुटा। जितने शव आए उन सभी के शरीर मिट्टी से भरे हुए थे। 21 शवों में से 35 से 60 साल की महिलाएं शामिल थीं। हाथरस के सिकंदराव थाने में मुख्य सेवादार दीप प्रकाश मधुकर और अन्य अज्ञात सेवादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इस FIR में भोले बाबा का नाम नहीं है। दरअसल बाबा ने एक समिति बना रखी थी, इसी वजह से समिति के मुख्य सेवादार सहित कई लोगों पर मुकदमा हुआ है। समिति का नाम है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति। ये सत्संग हाथरस के सिकंदराव में आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है हादसे के वक्त SDM और CO मौके पर मौजूद थे। समिति का काम होता है सत्संग आयोजित करना और बाबा के सत्संगों के फाइनेंसेस और अन्य चीजों का प्रबंध करना। समिति ने इस आयोजन के लिए प्रशासन से परमिशन ली थी, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि सत्संग में करीब 80,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। इसके बाद एक निश्चित जगह पर अव्यवस्था फैल गई, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं अब हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने गठित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित जो की गई है, उसकी जांच करेगी। राज्यपाल के निर्देश पर कमेटी गठित की गई है। रिटायर्ड IAS हेमंत राव और रिटायर्ड IPS भावेश कुमार आयोग के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि आयोग 2 महीने में जांच कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जांच में घटना के सारे पहलू शामिल किए जाएंगे और कमेटी का हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा।